फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। तो आप के साथ में आज बात करूंगी ऐसी गलतियों पे जो हम गार्डनिंग शुरू करते टाइम पांच गलतियां ऐसी कर देते हैं जिनसे हमारे जो गार्डनिंग करने का मोटिवेशन है पूरा ख़राब हो जाता है और हमारे दिमाग से ये ख्याल ही निकल जाता है कि हम पौधे लगा सकते हैं या पौधे उगाएँ। क्योंकि जब हम कोई भी पौधा लेकर आते हैं और वो हमसे उसकी केयर नहीं हो पाती, ख़राब हो जाता है, तो हमारे दिमाग में यही आता है क्यों इतने पैसे बर्बाद करने और वो प्लांट लेकर आना जिसकी हम केयर भी नहीं कर पा रहे। तो मैं आज आपसे ऐसी ही पांच गलतियों के बारे में बात करूंगी जो आप हमेशा शुरुआत में करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं संध्या कश्यप एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कश्यप गार्डन केयर में। आई होप आपने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को साइड में प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे ही मिलती रहे। चलिए बात करते हैं गलती नंबर पहली क्या है जो हम कर देते हैं। फ्रेंड्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी के भी घर घूमने जाते हैं या कहीं घूमने गए रोड पे देखा या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में गए, होटल में गए, वहाँ पे हमने कुछ ऐसे प्लांट देख लिए जो इतने सुंदर हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं और उन पे बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। तो हम क्या करते हैं, हम भी सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं कि नर्सरी में जाएँ, वही प्लांट हमें सेम मिल जाए, नहीं तो सुंदर दिखने वाले पौधे मिल जाएँ और हम इन्हें ख़रीद के ले आएँ अपने गार्डन में लगा लें। तो हम क्या करते हैं, वहाँ से आने के बाद नेक्स्ट डे ही जाते हैं या जब भी हमारा चक्कर लगता है हम जाते हैं और वो बहुत पौधे, सुंदर सुंदर दिखने वाले पौधे खरीद कर ले आते हैं और अपनी छत पर लगा देते हैं, जबकि हमें उन पौधों की ना केयर पता है, ना ही उन्हें कैसे किस एनवायरनमेंट में रखना है, हमें कुछ भी हम उसके बारे में पता नहीं करते हैं और उन्हें लेकर आते हैं। थोड़े टाइम बाद देखते हैं कि हाँ, वो जो पौधे हैं हमारे गार्डन में मर गए हैं। तो इससे हमारा जो मोटिवेशन है पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। तो हमें ये भूल बिल्कुल नहीं करनी, किसी के भी पास सुंदर सुंदर पौधे देखकर वो पौधे ना लाएं। हमेशा आप जब पौधे लेने जाएं तो हमेशा हार्डी प्लांट लाएं। हार्डी प्लांट एक ऐसे प्लांट होते हैं जिन्हें आप कैसे भी इन्वायरमेंट में रखेंगे वो आपके प्लांट चलते रहेंगे। हार्डी प्लांट कौन कौन से होते हैं उनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा हार्डी प्लांट कौन से होते हैं। जो हार्डी प्लांट होते हैं वो बहुत केयर नहीं मांगते और उन प्लांट की केयर करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि हम गार्डनिंग कर सकते हैं और हमारा जो मोटिवेशन है पूरी तरीके से बना रहता है। अब गलती नंबर दो हम क्या करते हैं कि हम नर्सरी जाते हैं, वहाँ से बहुत सारे पौधे एक ही साथ, कई सारे चार पाँच छः पौधे एक साथ ख़रीद लाते हैं, जो जो वहाँ पे हमें अच्छे लग रहे होते हैं सभी पौधों को ख़रीद लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बहुत सारे पौधे कभी ना ख़रीदें अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। हमेशा एक से दो पौधा लेकर आएँ, पहले उन पौधों को लेकर आएँगे और उन पौधों को अपने गार्डन में लगाएँगे, उनकी केयर करेंगे। तो उससे हमें क्या होगा, सबसे पहले एक पौधे की केयर करने से हमें पता चल जाएगा कि हम गार्डनिंग कर सकते हैं, उन प्लांट्स की केयर कर सकते हैं और फिर हम कैपेबल हैं कि और प्लांट लेकर आएँ। और एक साथ हम चार पांच प्लांट लेकर आए तो किसी भी प्लांट की केयर नहीं हो पाएगी, क्योंकि ना ही हमें वाटरिंग का पता है, ना ही सॉइल का पता है, हो सकता है इस बीच वो सारे ही पौधे मर जाए। तो इससे बेहतर है पैसा बर्बाद ना करें, सिर्फ जब आपको पौधा लेने का मन हो तो कोई एक पौधा लाएं, उसकी केयर करें, सीखें पहले, उससे एक्सपीरियंस लें, उसके बाद ही नए प्लांट लाएं। अब जब हम ऐसा कर लेते हैं इसके बाद क्या होता है, कई बार बहुत सारे लोग गार्डनिंग करते हैं और उनकी गार्डनिंग जो है बहुत अच्छे से चल भी रही होती है, लेकिन अचानक से क्या होता है, गलती क्या कर देते हैं, वो गलती नंबर तीन कि अपने गार्डन में उनके हो सके कीड़े लग जाते हैं या इन्फेक्शन, कुछ भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो केमिकल यूज़ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, गार्डनिंग करते टाइम केमिकल से दूर रहें, केमिकल जो रिज़ल्ट है आपको बहुत अच्छे देगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, सारे आप तुरंत डालेंगे तुरंत आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे। लेकिन आप ये जो इन्फेक्शन आपके प्लांट्स में हो गया है इसको दूर हटाने के लिए आप जो है फंगल पाउडर वगैरह जो मार्केट में मिलते हैं उनका यूज़ करें और जो वैसे केमिकल आते हैं उनका यूज़ ना करें, क्योंकि वो रिज़ल्ट्स ऑन उस टाइम तो अच्छे दे देंगे लेकिन बाद में आपके पौधे को धीरे धीरे ख़राब कर देंगे। तो जो नेचुरल बेस्ड है वही लेकर आएँ। अब गलती नंबर चार हम क्या कर देते हैं, कई बार हम पौधे ले आते हैं और वो पौधे की हमसे केयर भी बहुत अच्छे से हो जाती है और वो पौधा तेज़ी से बढ़ना भी शुरू कर देता है। जब वो पौधा तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई हम पौधा लेकर आए थे, अब इतनी जल्दी इसने ग्रोथ पकड़ लिया। हम क्या करते हैं, दिन में दो से तीन बार पानी देना शुरू कर देते हैं कि जल्दी पानी देंगे, जल्दी कंपोस्ट देंगे, जल्दी फर्टिलाइजेशन करेंगे तो प्लांट हमारा जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता है प्लांट के, कि जल्दी ग्रो करने के चक्कर में इतनी सारी चीज़ें उसे एक साथ मिल जाती हैं, वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाता है और बीच में ही मर जाता है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें, कोई भी पौधा लेकर आए हैं आप, वो ग्रो कर रहा है ठीक है, उसको थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसके बारे में समझिए, जब जाके ही उसमें
वाटरिंग कीजिए। वाटरिंग हमेशा आप लेवल पे करेंगे तो आपके सभी प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। गलती नंबर 5 ये है कि हमारा जब भी पौधे खरीदने का मन करता है बस बैग उठाया, पर्स उठाया और चल देते हैं पौधे लेने के लिए। लेकिन ये कोई सही चीज़ नहीं है कि मन किया आज हमें गुलाब लाना है, आज बोगनविलिया लाना है, तो 48 डिग्री के टेम्परेचर में हम जाकर ले आएँ वो प्लांट। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, आपका पैसा टाइम दोनों बर्बाद हो जाएगा, ऊपर से सन टैन हो जाएगा आपकी बॉडी में, वो अलग होगा। तो ये मत कीजिए, हमेशा गार्डनिंग की शुरुआत और पौधे खरीदने की शुरुआत बारिशों के मौसम में कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा मौसम है ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है और पूरा दिन मौसम बहुत अच्छा बना रहता है। तो इस टाइम पे कोई भी पौधा लाएंगे, शिफ्टिंग करेंगे उसकी, तो वो प्लांट अच्छे से झेल लेगा सारी चीज़ें। गर्मियों में कोई भी पौधा लाते हैं और उसे शिफ्ट करते हैं तो उन पौधों की जो जड़ें होती हैं उन्हें बहुत स्ट्रेस लग जाता है, जिसकी वजह से वो पौधे जो हैं सेम डे लगाया आपने सेम डे ही शाम को आपको मुरझाए हुए मिलते हैं। इससे हमें ना इतना डीमोटिवेशन आ जाता है, हम सोचते हैं यार अब नहीं लेकर आएंगे, हमारा ये पैसा भी गया, प्लांट भी ख़राब हो गया। हम उस प्लांट को दोबारा जब नर्सरी जाते भी हैं तो उसको देखना पसंद नहीं करते, हम सोचते हैं नहीं पहले मैंने ले लिया था, अब वो ख़राब हो गया था, अब दोबारा नहीं लूँगी। तो ये चीज़ ना करें, आपका वो पौधा भी अच्छे से चलेगा, लेकिन आप उसे रेनी सीज़न में लेकर आएँ। तो आप भी अगर गार्डनिंग की शुरुआत कर रहे हैं तो रेनी सीज़न में कीजिए। आई होप आपको जो ये मेरी 5 गलतियाँ हैं आपको अच्छे से समझ आई होंगी और इन सब के बारे में आपको पता चल गया। तो मैंने सोचा ये वीडियो आप लोगों के लिए भी बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग मूड बना रहे हो गार्डनिंग शुरू करने का, तो ये गलती आपसे ना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपके काम आएंगे ये सारे टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साइड में बेल आइकन दिया हुआ है इसे भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसी ही सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।